हाय फ्रेंड, आज मैं आपको एक कमाल की ट्रिक बताने वाला हूँ। जब भी आप फोन करने के लिए अपना मोबाइल निकालते होंगे तो आपका डायल पैड बिल्कुल प्लेन रहता होगा, वहाँ पर सिर्फ नंबर रहता होगा। लेकिन फ्रेंड, मैं आज एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आप फोन करने के लिए जैसे ही अपने मोबाइल को बाहर निकालेंगे और डायल करने के लिए डायल पैड को ओपन करेंगे, वहाँ पर आप अपना फोटो सेट कर सकते हैं। नंबर के साथ में वहाँ पर फ्रेंड आपका फोटो भी दिखेगा, नंबर के पीछे में आप फोटो सेट कर सकते हैं। फ्रेंड, डायल पैड के पीछे आप चाहे तो अपना फोटो भी सेव कर सकते हैं, या आप कोई और भी फोटो सेव करना चाहते हैं तो वहाँ पर कोई भी फोटो लगा सकते हैं जो देखने में वाकई लाजवाब होगा और कोई भी देखकर आपका दीवाना हो जाएगा और आपसे पूछ बैठेगा, अरे आपने इसे कैसे कर लिया। फ्रेंड, यह वाकई कमाल का ट्रिक होगा जो देखने में बिल्कुल लाजवाब लगेगा। फ्रेंड, अभी आप देखेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं, डायल पैड के पीछे में एक तरफ प्लेन है जो कि देखने में बिल्कुल सिंपल लग रहा है, और फ्रेंड एक तरफ हमने एक फोटो सेट कर दिया है जो देखने में वाकई लाजवाब लगता है और बहुत ही कमाल का लगता है। इसी तरह से फ्रेंड यहाँ पर कोई भी आप फोटो सेट कर सकते हैं, चाहे तो अपना फोटो सेट कर लें या किसी और का फोटो सेट कर लें, वह देखने में लाजवाब लगेगा। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है बादल और आप देख रहे हैं टेक दल। तो फ्रेंड, डायल पैड में अपना फोटो सेट करने के लिए सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्रेंड, वहां से डायरेक्ट आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगी। इसका लिंक जो मैं दूंगा वहां से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। फ्रेंड, सिंपली एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही ओपन करेंगे वहां पर आपको कुछ परमिशन देनी पड़ सकती है, तो सारी परमिशन को फ्रेंड दे देंगे। उसके बाद जैसे ही एप्लीकेशन को ओपन करेंगे यहां पर कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। फ्रेंड, सिंपली यहां पर तीन डॉट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है और यहां पर सेटिंग में चले जाना है। फ्रेंड, देख सकते हैं यहाँ पर सेटिंग में सबसे नीचे में दिया हुआ पर्सनलाइज सेटिंग, इसे सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर डायल पैड बैकग्राउंड दिया हुआ है, फ्रेंड सिंपली इसे सेलेक्ट कर लेना है और गैलरी को सेलेक्ट कर लेना है। फ्रेंड, यहाँ पर आपको गैलरी का ऑप्शन मिल जाएगा। तो फ्रेंड, गैलरी ओपन होने के बाद यहाँ से फोटो सेलेक्ट करने का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से कोई भी फोटो फ्रेंड आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि फ्रेंड देख रहे हैं, हमने यहाँ पर एक फोटो को सेलेक्ट कर दिया है और उसे हमने क्रॉप कर दिया। यहाँ पर जिस भी हिसाब से आप क्रॉप करना चाहें उसे क्रॉप कर दें और उसे ओके कर दें। फ्रेंड, सिंपली इसके बाद सारी सेटिंग आपकी पूरी हो जाती है। इसके बाद जैसे ही डायल पैड पर आप आएंगे, देखेंगे आपका यहाँ पर डायल पैड पर आपका फोटो दिखेगा जो देखने में बिल्कुल लाजवाब होगा। इसके लिए फ्रेंड सिंपली थोड़ी सी और सेटिंग को चेंज कर दें, जैसा कि मोबाइल में आपका कॉन्टैक्ट दिया हुआ है, इसे यहाँ से निकाल के बाहर कर दें और जो एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल किया उसे डायल पैड की जगह पर लगा दें। फ्रेंड, आप जैसे ही डायल पैड को ओपन करेंगे यहाँ से कोई भी नंबर डायल करना चाहेंगे, आप देखेंगे आपके डायल पैड पर वह फोटो दिखेगा जिसे आप अभी आपने सेट किया था, जो देखने में वाकई लाजवाब लगेगा। तो फ्रेंड, इस तरह से कोई भी फोटो आप अपने डायल पैड में सेट कर सकते हैं और लोगों को दिखा सकते हैं कि देखो डायल पैड में मेरा फोटो है, जो देखने में काफ़ी लाजवाब लगता है। तो फ्रेंड, यह काफ़ी कमाल का ट्रिक है। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और यह एप्लीकेशन भी आपको काफ़ी पसंद आया होगा। फ्रेंड, वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि यह एप्लीकेशन और यह वीडियो कैसा लगा, और फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो फ्रेंड, आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।